नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। शाहरुख और आमिर खान की फिल्में न देखें हिंदू, साध्वी प्राची ने फिर दिया विवादित बयान। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर विवादित बयान देकर भाजपा और मोदी सरकार को मुश्किल में डालने का काम किया है। इस बार साध्वी ने कहा है कि हिंदुओं को अभिनेता आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्में नहीं देखनी चाहिए। रविवार को देहरादून में आयोजित एक सभा में साध्वी ने इन अभिनेताओं की तस्वीर अपने घरों में नहीं लगाने की सलाह देते हुए कहा कि खानों की फिल्मों से हमारे बच्चों को उचित संस्कार नहीं मिलता। प्राची ने कहा कि यह खान तिकड़ी लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है। लव जिहाद अंतरधार्मिक विवाह नहीं है, बल्कि यह आपराधिक सोच के साथ किया जाने वाला जबरन धर्म परिवर्तन है। धारा 370 पर भाजपा के रुख में कोई बदलाव नहीं, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 पर पार्टी के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। यह पूछे जाने पर कि क्या पीडीपी इस मुद्दे पर भाजपा के रुख से सहमत हो गई थी, तो नायडू ने कहा कि न तो वो हमारे रुख के आगे झुके और न ही उनके रुख के आगे हम झुके। कांग्रेस में बड़ा बदलाव, 5 अध्यक्ष बदले गए। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस ने अपने 5 प्रदेश अध्यक्षों को बदल दिया है। अजय माकन को दिल्ली कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा संजय निरुपम को मुंबई, अशोक चौहान को महाराष्ट्र, गुलाम मीर को जम्मू कश्मीर और उत्तम कुमार को तेलंगाना कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। माना जा रहा है कि 5ों ही नेता राहुल की पसंद के हैं। सोनम कपूर की सेहत में सुधार। स्वाइन फ्लू की चपेट में आने के कारण अस्पताल में भर्ती अभिनेत्री सोनम कपूर की सेहत में अब सुधार हो रहा है। 29 वर्षीय अभिनेत्री को सलमान खान अभिनीत फिल्म प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग के दौरान स्वाइन फ्लू होने का पता लगा था। उन्हें मुंबई लाया गया जहां उनका उपचार चल रहा है। सोनम की प्रवक्ता ने कहा कि सोनम को स्वाइन फ्लू हो गया है, लेकिन उनकी स्थिति नियंत्रण में है। जगमोहन डालमिया फिर बने बीसीसीआई के अध्यक्ष। जगमोहन डालमिया को सोमवार को सर्वसम्मति से बीसीसीआई का अध्यक्ष चुन लिया गया, जबकि अनुराग ठाकुर बोर्ड की सालाना आम बैठक में संजय पटेल को पछाड़कर सचिव चुने गए। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के प्रमुख ठाकुर की अप्रत्याशित जीत को छोड़कर चुनाव में सभी पदों पर श्रीनिवासन गुट का पलड़ा भारी रहा। झारखंड क्रिकेट संघ के अमिताभ चौधरी गोवा के चेतन देसाई को पछाड़कर संयुक्त सचिव चुने गए। वहीं हरियाणा के अनिरुद्ध चौधरी ने राजीव शुक्ला को हराकर कोषाध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। इस बार अध्यक्ष नामित करने की बारी पूर्वी क्षेत्र की थी, जहां से पवार को कोई प्रस्तावक नहीं मिल सका। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।